सबसे पहले बात करते हैं जयपुर सीएमएचओ पर गिरेगी कार्रवाई की गाज की। तो डेपुटेशन पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की सख्ती। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले मंत्री परसादी लाल मीणा, जयपुर में 75 से अधिक डॉक्टर पिछले 2 सालों से चल रहे हैं डेपुटेशन पर। इन डॉक्टर्स ने क्या काम किया नहीं, किसी को कोई खबर। ऐसे ही कई और जिलों में भी डेपुटेशन के नाम पर चल रहा है खेल, लेकिन अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा डेपुटेशन। आखिर किसके आदेश पर डेपुटेशन पर चल रहे हैं चिकित्सक, इसके बारे में भी जांच के अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। जांच में दोषी पाए जाने वाले चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई। तो आपको बता दें कि जयपुर सीएमएचओ पर गिरेगी कार्रवाई की गाज। डेपुटेशन पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की सख्ती। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले मंत्री परसादी लाल मीणा, जयपुर में 75 से अधिक डॉक्टर पिछले 2 सालों से डेपुटेशन पर चल रहे हैं। इन डॉक्टर्स ने क्या काम किया नहीं, किसी को कोई खबर। ऐसे ही कई और जिलों में भी डेपुटेशन के नाम पर खेल चल रहा है, लेकिन अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा डेपुटेशन। आखिर किसके आदेश पर डेपुटेशन पर चल रहे हैं चिकित्सक, इसके बारे में भी जांच के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वाले चिकित्सकों पर कार्रवाई होगी। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार दूसरे दिन वृद्धि। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। सुबह 6 बजे से लागू हुई बढ़ी हुई दरें। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 92 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। 2 दिन में पेट्रोल 1 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो वहीं डीजल 1 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर देखने को मिल रहा है। एक पखवाड़े तक जारी रह सकता है दैनिक मूल्य वृद्धि का दौर। तो एक पखवाड़े तक इसी तरीके से पेट्रोल के दामों में और डीजल के दामों में वृद्धि देखी जा सकती है। तो वहीं इसका महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिसकी वजह से हर चीज महंगी होगी और आम लोगों की कमर महंगाई की वजह से टूटेगी। तो पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर आज महंगा हुआ है। सुबह 6 बजे से बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर तो वही डीजल 92 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। 2 दिन में पेट्रोल 1 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 1 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों का असर देखने को मिल रहा है। एक पखवाड़े तक जारी रह सकता है दैनिक मूल्य वृद्धि का ये दौर। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या कैंसर मरीजों की पीड़ा समझेंगे जिम्मेदार। बात चिकित्सा विभाग में चल रही डेपुटेशन की टेंशन की। एसएमएस अस्पताल, ऑन्कोलॉजी विभाग और स्टेट कैंसर में 23 मेडिकल ऑफिसर की दरकार है। मरीजों के दबाव और 2 जगह पर सेवाओं को लेकर भेजा गया था प्रस्ताव। फिलहाल सिर्फ 3 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति, जबकि प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 8 मेडिकल ऑफिसर भी संभाल रहे हैं काम। लेकिन इन सभी 8 मेडिकल ऑफिसर्स को किया जाना है रिन्यू, अन्यथा मार्च माह की नहीं बनेगी इनकी तनख्वाह, कार्रवाई की भी लटकेगी तलवार। दूसरी ओर यदि प्रतिनियुक्ति पर लगे ये सभी चिकित्सक हो जाएंगे रिलीव, तो एसएमएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए होगी भारी दिक्कतें। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने राज्य सरकार को कराया पूरी वस्तु स्थिति से अवगत, साथ ही किया आग्रह स्थायी पदों की नियुक्ति तक प्रतिनियुक्ति को नहीं किया जाए समाप्त। अब पूरे मामले में फैसला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के पाले में है। तो क्या कैंसर मरीजों की पीड़ा समझेंगे जिम्मेदार, बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि चिकित्सा विभाग से जुड़ी ये पूरी बात है और चिकित्सा विभाग में चल रही डेपुटेशन की टेंशन से जुड़ी है पूरी खबर। एसएमएस अस्पताल, ऑन्कोलॉजी विभाग और स्टेट कैंसर में 23 मेडिकल ऑफिसर की दरकार है। मरीजों के दबाव और 2 जगहों पर सेवाओं को लेकर भेजा गया था प्रस्ताव। फिलहाल सिर्फ 3 मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं, जबकि प्रतिनियुक्ति पर चल रहे 8 मेडिकल ऑफिसर भी काम संभाल रहे हैं। लेकिन इन सभी 8 मेडिकल ऑफिसर्स को किया जाना है रिलीव, अन्यथा मार्च माह की नहीं बनेगी इनकी तनख्वाह, कार्रवाई की भी तलवार लटकेगी। दूसरी ओर यदि प्रतिनियुक्ति पर लगे सभी चिकित्सक रिलीव हो जाएंगे, तो एसएमएस और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए भारी दिक्कतें होंगी। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने राज्य सरकार को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है, साथ ही किया आग्रह स्थायी पदों की नियुक्ति तक प्रतिनियुक्ति को नहीं किया जाए समाप्त। अब पूरे मामले में फैसला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के पाले में। क्या कुछ डॉक्टर्स को निजी अस्पताल में काम करने की दी गई है छूट। चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक फरमान को लेकर बड़ी चर्चा।
दरअसल विभाग ने रेडियोलॉजिस्ट को भी निजी प्रैक्टिस की दी गई है अनुमति। इस अनुमति को निजी अस्पताल या निजी लैब में जाकर प्रैक्टिस की अनुमति से जोड़कर देखा जा रहा है। आमतौर पर सरकारी सेवा में इस तरह की अनुमति नहीं मिलती है। हालांकि विभाग की ओर से जारी आदेश में नहीं कहा गया कि ये निजी क्षेत्र में सेवाएं दे सकेंगे, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सक अपने कार्यस्थल से अधिकतम 25 किलोमीटर दूर की कर सकते हैं प्रैक्टिस। क्या कुछ डॉक्टर्स को निजी अस्पताल में काम करने की छूट दी गई है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक फरमान को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर है। दरअसल विभाग ने रेडियोलॉजिस्ट को भी निजी प्रैक्टिस की अनुमति दी। इस अनुमति को निजी अस्पताल या निजी लैब में जाकर प्रैक्टिस की अनुमति से जोड़कर देखा जा रहा है। आमतौर पर सरकारी सेवा में इस तरह की अनुमति नहीं मिलती है। हालांकि विभाग की ओर से जारी आदेश में नहीं कहा गया कि निजी क्षेत्र में सेवाएं दे सकेंगे, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सक अपने कार्यस्थल से अधिकतम 25 किलोमीटर दूर की कर सकते हैं प्रैक्टिस। द कश्मीर फाइल्स की पॉपुलैरिटी का दूसरा पहलू, फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की लिखी गई स्क्रिप्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद फिल्म को मिला दर्शकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स और इसके साथ ही देश में छिड़ गई एक लंबी बहस, आखिर क्या है सही और क्या है गलत, आखिर कश्मीर के इस दुखद इतिहास के लिए कौन था जिम्मेदार। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता लगा रहे एक दूसरे पर आरोप, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है। क्या इस फिल्म को बनाने का इनाम मिलेगा विवेक अग्निहोत्री को, क्या अनुपम खेर को मिलेगा उनके शानदार रोल का राजनीतिक इनाम, क्या इन दोनों हस्तियों को भाजपा द्वारा भेजा जाएगा राज्यसभा, इनके टैलेंट और अद्भुत साहस के लिए मिल सकता है क्या कोई इन्हें पुरस्कार। तो द कश्मीर फाइल्स की पॉपुलैरिटी का दूसरे पहलू की हम बात कर रहे हैं। फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की स्क्रिप्ट लिखी गई। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और इसके साथ ही देश में छिड़ गई एक लंबी बहस भी, आखिर क्या है सही और क्या है गलत, आखिर कश्मीर के दुखद इतिहास के लिए कौन जिम्मेदार था। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है। क्या इस फिल्म को बनाने का इनाम विवेक अग्निहोत्री को मिलेगा, क्या अनुपम खेर को मिलेगा उनके शानदार रोल का राजनीतिक तोहफा। शहादत दिवस आज है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने दी थी कुर्बानी। देश की आजादी के लिए शूर वीरों ने कुर्बान कर दी थी अपनी जान। आज ही के दिन 1931 में अंग्रेजों ने दी थी फांसी। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह साथियों के साथ हंसते हंसते चढ़ गए थे फांसी पर। सर्वोच्च बलिदान की याद में 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। भारत की आजादी के लिए उनके सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन ये इतिहास शहीद भगत सिंह के बिना नहीं होता कभी पूरा। कुर्बानी के 91 साल बाद आज भी भगत सिंह के विचार भारतीयों के दिलों में जिंदा है। तो शहादत दिवस आज है, आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कुर्बानी दी थी। देश की आजादी के लिए शूर वीरों ने कुर्बान कर दी थी अपनी जान। आज ही के दिन 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह साथियों के साथ हंसते हंसते चढ़ गए थे फांसी के फंदे पर। सर्वोच्च बलिदान की याद में 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। भारत की आजादी के लिए उन अनेक सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी, लेकिन ये इतिहास शहीद भगत सिंह के बिना कभी पूरा नहीं होता। कुर्बानी के 91 साल बाद आज भी भगत सिंह के विचार भारतीयों के दिलों में जिंदा है। कोरोना से मौत पर पेंशन, देश के कारखानों में काम करने वाले 5600 मरीज जो ईएसआईसी के दायरे में आते हैं और कोरोना से मौत हुई, उनके परिजनों को मिलेगी ताउम्र पेंशन। इसके दायरे में वो कर्मचारी आएंगे जिनकी मृत्यु 24 मार्च 2022 तक कोरोना से हुई है। कामगार के वेतन का 90% हिस्सा मिलेगा पेंशन के रूप में। राजस्थान के 430 परिवार भी आते हैं इस दायरे में। जिन परिवारों को पता नहीं वो अभी भी कर सकते हैं आवेदन। तो कोरोना से मौत पर पेंशन मिलेगी देश के कारखानों में काम करने वाले 5600 मरीज जो ईएसआईसी के दायरे में आते हैं और कोरोना से मौत हुई है, उनके परिजनों को मिलेगी ताउम्र पेंशन। इसके दायरे में वो कर्मचारी आएंगे जिनकी मृत्यु 24 मार्च 2022 तक कोरोना से हुई है। कामगार की वेतन का 90% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। राजस्थान के 430 परिवार भी आते हैं इसी दायरे में। जिन परिवारों को पता नहीं वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। डीसीओ सिंधु कुमारी की ड्यूटी ज्वाइनिंग और बवाल। 4 मार्च को डीसीओ सिंधु कुमारी को घूस लेते पकड़ा था एसीबी ने। 21 मार्च को जमानत के बाद 22 मार्च को ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंची थी सिंधु।
जयपुर की सेठी कॉलोनी स्थित ड्रग कार्यालय पहुंची थी सिंधु। सिंधु के ड्रग विभाग में पहुंचते ही अधिकारी सन्न रह गए। हालांकि अधिकारियों ने ज्वाइनिंग देने से इनकार किया। इस पर सिंधु ने सस्पेंशन ऑर्डर दिखाने को कहा। काफी मशक्कत के बाद सिंधु को अगले दिन आने को कहा गया। हालांकि नियमानुसार 48 घंटे जेल में बिताया तो माना जाता है स्वतः निलंबन, लेकिन 15 दिन जेल में रहने के बावजूद सिंधु के सस्पेंशन ऑर्डर नहीं हुए हैं जारी। तो डीसीओ सिंधु कुमारी की ड्यूटी ज्वाइनिंग पर बवाल है। 4 मार्च को डीसीओ सिंधु कुमारी को घूस लेते पकड़ा गया था एसीबी के द्वारा। 21 मार्च को जमानत के बाद 22 मार्च को ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंची थी सिंधु। जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित ड्रग कार्यालय पहुंची थी सिंधु। सिंधु के ड्रग विभाग में पहुंचते ही अधिकारी सन्न रह गए। हालांकि अधिकारियों ने ज्वाइनिंग देने से इनकार किया, पर इस पर सिंधु ने सस्पेंशन ऑर्डर दिखाने को कहा। काफी मशक्कत के बाद सिंधु को अगले दिन आने को कहा। हालांकि नियमानुसार 48 घंटे जेल में बिताया तो माना जाता है स्वतः निलंबन, लेकिन 15 दिन जेल में रहने के बावजूद सिंधु के सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं हुए। दिल्ली जयपुर हाईवे सफर होगा महंगा। 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ने के आसार है। एनएचएआई खेड़की दोला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। सोहना पलवल अलवर जाने वालों को भी करने पड़ेगी जेब ढीली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन का इंतजार है। जमाना होगा स्कूटर का। 2021 के मुकाबले ई स्कूटर की बिक्री बढ़ी 6 से 7 गुना। 2021 में बिके थे 40,000 ई स्कूटर, इस साल आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 2,70,000 तक। फरवरी 2022 में 971% बढ़ चुकी है ई स्कूटर की बिक्री। हालांकि नितिन गडकरी के मुताबिक 2 साल में ई स्कूटर के दाम हो जाएंगे कम। टेक्नोलॉजी में विकास और बदलाव के चलते दाम कम हो जाएंगे। 2 साल में ई स्कूटर ई कार होंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर। इस साल 8 लाख ई स्कूटर की बिक्री का है अनुमान। तो इस साल 8 लाख ई स्कूटर बिकेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है जमाना होगा ई स्कूटर का। 2021 के मुकाबले ई स्कूटर की बिक्री 6 से 7 गुना बढ़ी है। 2021 में बिके थे 40,000 ई स्कूटर, इस साल आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 2,70,000 तक। फरवरी 2022 में 971% बढ़ चुकी है ई स्कूटर की बिक्री। हालांकि नितिन गडकरी के मुताबिक 2 साल में ई स्कूटर के दाम हो जाएंगे कम। टेक्नोलॉजी में विकास और बदलाव के चलते दाम कम हो जाएंगे। 2 साल में ई स्कूटर ई कार होंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के बराबर। इस साल 8 लाख ई स्कूटर का बिक्री का है अनुमान। टेली मेडिसिन सर्विस का ऐलान। अभी मित्र के जरिए लोगों को ऑनलाइन मिल सकेगा नामी डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट। राजस्थान के किसी भी शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए मिल सकेगा अपॉइंटमेंट। राज्य सरकार ने टेली मेडिसिन सर्विस के तहत इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। ये सर्विस जल्द ही प्रदेश के सभी मित्र केंद्रों पर की जाएगी शुरू। अपॉइंटमेंट लेने वाले मरीज या परिजनों के पास डॉक्टर की तरफ से आएगा फोन। मरीज को फोन पर बताया जाएगा डॉक्टर से मिलने का दिन और समय। इस सर्विस का सबसे ज्यादा फायदा दूर दराज से आने वाले लोगों को मिल सकेगा। तो टेली मेडिसिन सर्विस का ऐलान किया गया है। अभी मित्र के जरिए लोगों को ऑनलाइन मिल सकेगा नामी डॉक्टर्स के द्वारा उपचार।